पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह से सिद्धू की एक विवादास्पद तस्वीर सामने आई है, जिससे भारत में एक नया विवाद पैदा हो गया है। यहां पर पाकिस्तान की सरकार ने पंजाब सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के राष्ट्रपति सरकार मसूद खान के बगल में सीट दे दी। विशेषज्ञों की माने तो ऐसा करके पाकिस्तान की सरकार ने प्रोटोकॉल को तोड़ा है और सिद्धू के लिए अपशोपेश वाली स्थिति पैदा कर दी है। इसी समारोह के दौरान सिद्धू ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गले लगाया। कुछ लोग सिद्धू के इस कृत्य की आलोचना कर रहे हैं। विदेश नीति के जानकारों के मुताबिक पाक सरकार को सिद्धू को विदेशी मेहमानों के साथ बैठाना चाहिए था, न कि पीओके के राष्ट्रपति मसूद खान के बगल में। उनका मानना है कि पीओके भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने इस पर कब्जा करके रखा है। भारत पीओके को कभी भी मान्यता नहीं देता है और ऐसा करके पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल का अपमान किया है। सरदार मसूद खान पीओके के 27वें राष्ट्रपति हैं और पाक के जाने माने राजनयिक भी हैं। शुक्रवार को सिद्धू ने लाहौर पहुंचने के बाद कहा, मैं यहां पर अपने दोस्त की खुशी में शरीक होने के लिए आया हूं। सिद्धू की माने तो वो पाकिस्तान में एक राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर गए हैं। सिद्धू के पाकिस्तान जाने पर सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सिद्धू की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये देश हित का मामला है और सिद्धू खुद एक राजनेता है तो उन्हें इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए। लेकिन सिद्धू पाकिस्तान पहुंचकर ऐसे गदगद हैं कि उन्हें होश ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।